तो मतलब लड़ाई हो गई थी तो क्या मतलब हमें निकालोगे घर से? गाइस मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो मुझसे कल हुआ मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, शर्मिंदा हूँ। सचिन को मैं जानता हूँ, सचिन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सचिन को मैंने इतना उल्टा सीधा कल बोला, लेकिन सचिन ने मुझे पलट के एक भी बार जवाब नहीं दिया। मेरी इतनी इज्जत अभी भी करता था, कल भी इतनी इज्जत की नहीं। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने दूंगा, तुम जाकर देखो मैं यहाँ लेट दूंगा। मेरे ऊपर तो जाना भाई, जाना तो मैं यहाँ लेट दूंगा, लोग मेरे ऊपर जाना तो तेज नहीं मानना। तो देख सकते हैं यहाँ से बोल कर आएगा और ये वीडियो बनाया जा रहा है। मनीष भाई ने एकदम से सचिन उन लोगों को ऐसे रूम से निकाले, इतनी बेइज्जती करके, इतना इंसल्ट करके। मुझे तो अभी मतलब मैं फ्लैट में जैसी पहुंची मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये स्टिल ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं ना नहीं रहने दूंगी ऐसे में सचिन को। अभी भी वो पता नहीं उस रूम में बात कर रहे हैं, क्या ही डिस्कस कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं ऐसे रहने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी मानता हूँ मैंने कृति की भी और तेरे भाई की भी बहुत बेइज्जती करी कल, मैं इसीलिए मैंने तुझे बैठा के बात कर रहा हूँ। देख मैं ना कल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, मेरा दिमाग खाता है क्योंकि मैंने एक बंदे से लड़ाई की थी। तो थी अपना गुस्सा किसी पे भी निकालोगे आप? कृति मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, कल बस सॉरी की नहीं, अगर एक बार प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश तो करो ना, क्या मैं किस परेशानी में था, क्या परेशान था। सचिन यार मेरी बात सुन भाई, देख तू मैंने चलो ठीक है आप फर्स्ट डेट पे कुछ भी कहा, तो एक बार सचिन सचिन से डिस्कस करना चाहिए था ना कि अरे यार मैं डिस्कस कर रहा था, पता मैं क्या हुआ कल, मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब था। मूड खराब हो गया तो ये थोड़ी यार ये बात है। देख मेरा सर एक सेकंड, मैं तुझे बताऊं, एक बार मेरी बात सुनो, बस एक बार सुन लो मेरी बात। देखो मैंने पूरी रात भर सोचा सचिन के बारे में, जो मैंने कल किया उसके लिए मैंने पूरा रात भर सोचा, लेकिन सचिन यार मुझे सच में मेरे को बहुत दुख हुआ। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, मैंने तुझे इतना उल्टा सीधा बोला लेकिन तूने मुझे एक भी बार पलट के जवाब नहीं दिया कि तुम मनीष भाई ऐसा कर रहे हो, मैं भी पैसे दे रहा हूँ, कुछ नहीं बोला तूने। सच में बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन एक बार मेरी प्रॉब्लम समझो, मेरी सिचुएशन समझो कि मैंने ऐसा क्यों किया यार। कृति प्लीज यार मैं सॉरी बोल रहा हूँ, प्यार फूल हुआ तुम्हारे यार। सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात, मतलब आप जो ये अभी सोच रहे हो ये कर नहीं सोच सकते थे आप यार। भाई यार मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो इतना खराब कैसे, मतलब एक बार मेरी बात सुनो। नहीं 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 ये गलत बात है मनीष भाई आपकी। कृति मेरी बात तो सुनो एक मिनट यार, कल ना मेरी सुनो तो मेरी बात तो सुनो यार सचिन भाई, यार पता कल मेरी ना एक बंदे से लड़ाई हो गई थी, पता हार पकाई हो गई थी यार। तो मतलब लड़ाई हो गई थी तो क्या मतलब हमें निकालोगे घर से? अरे तो भैया मतलब आप मतलब आप मुझे पता है, मैं गुस्सा जानता हूँ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। बात पता मेरी कल एक बंदे से लड़ाई हो गई थी और फिर मैं ऊपर आया फ्लैट पर, ये सारे बंदे शोर मचा रहे थे और पूरे फ्लैट में गंदगी कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, तो मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया। ये गलत बात, हम शोर कहाँ मचा रहे थे? आप वैसे तो किसी की सुनते नहीं हो, और कल मतलब कुछ तो होता ना, कुछ तो बोलते आप कल, ये गलत बात है। तब भी आपने ऐसा बोल दिया तो लड़ाई होती है, मतलब कुछ समझाया जाता है? अरे तो समझाया भी तो जाता है, मैंने जो किया मैं उसके लिए
सॉरी बोलता हूँ, शर्मिंदा हूँ, सचिन को मैं जानता हूँ। सचिन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सचिन को मैंने इतना उल्टा सीधा कल बोला, लेकिन सचिन ने मुझे पलट के एक भी बार जवाब नहीं दिया। मेरी इतनी इज्जत अभी भी करना था, कल भी इतनी इज्जत की कि उसने मुझे पलट के एक बार भी जवाब नहीं दिया। लेकिन सचिन से मैं सॉरी बोल रहा हूँ और आप लोगों से भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ कि जो मुझसे कल हुआ उसके लिए सॉरी। लेकिन सचिन तू मेरा भाई, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा भाई, देख मैंने सही बताया, नहीं जाने दूंगा भाई, सचिन को खाली करके जाएंगे। एक सेकंड, मेरा फैसला मैं देखो भाई पर कर रहे हो सारे लोग, मैं नहीं बोल पाऊंगा उसको उनको कुछ भी। होता तो मेरे मुंह से वो गाली वाली निकल जाएगी। मुझे पता है सचिन, तू इतनी किसी की नहीं सुनता, मैं तेरे को चार साल से जानता हूँ, अभी नहीं जानता हूँ, चार साल से जानता हूँ। तुम्हारे बहुत चीजें हैं मेरे पास और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है, मैंने तेरी रिस्पेक्ट देखी, तूने मुझे कल इतनी मेहनत करके इतना गंदा आदमी ऊपर चेंज नहीं करोगे यार? नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, तो कहीं जाने का इंसान की बात है, इतने दिल पे लग जाते हैं, मतलब पूरे रात मेरे वैसे आंसू कभी नहीं निकलते, मेरे बहुत रेयर होता है आंसू निकलते हैं। कल मेरी वजह से तुम रोया था ना आंसू आए थे, लेकिन आज के बाद आज के बाद तेरी आंखों में किसी की वजह से, मेरी क्या, मैं किसी की वजह से भी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, वो चाहे मैं ही हूँ चाहे कोई और भी हो। एक बात याद है तुम्हें? क्या बता, कुछ महीनों की बात है। हाँ मुझे याद है, एक बंदे ने मेरे को तुझसे बोला था, तूने उसका तुरंत कॉलर पकड़ लिया, तो मुझे पता है यार तू मेरे से कितना प्यार करता। मैं भाई बस थोड़ा सा परेशान था इसलिए यार सचिन सॉरी यार। तो मतलब यार भैया यार कुछ तो सोच रहे थे भैया के बारे में, मतलब कुछ अगला इंसान कुछ नहीं बोल रहे हो और आप मतलब बोले जा रहे हो। कपड़े भी निकाल के फेंक दिए, बैग भी दे दिया कि जाओ यहाँ से जाओ, मतलब अर्जेंटली में ऐसा कुछ होता है क्या? कौन सी बात, मैं कपड़े निकाल के फेंके, मैं नाला दोबारा निकाल बोलता तो कभी नहीं मैं, ये लोग बोल रहे, कल भी इन्होंने बोला तुमने क्यों ऐसे किया, वो किया, मुझे पता है तुम्हें इतनी इज्जत आता है, मुझे ये बताओ ना रखती रहे, कौन सी बात कर रही है, कल की बात तो रहने दो, सुनो हट के अंदर मैं तेरे को अपने अभी फेंक दूं, निकाल के दोबारा पता क्या कर लेगा बंदा, लेकिन मैं भाई मैं नहीं जान दूंगा तुझे, कोई बात नहीं तुम दोस्ती बनाए रखो, बट तुम रूम चेंज करो। नहीं मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने दूंगा, ये तुम जाकर देखो, मैं यहाँ लेट दूंगा, मेरे ऊपर तो जाना भाई, जाना तो मैं यहाँ लेट दूंगा, लोग मेरे ऊपर जाना होता है, मैं जाने नहीं दूंगा, लोग निकल के जाऊंगा कुछ आओगे भाई, मैं खड़ा नहीं हूँ वो जब तक तू बोलेगा नहीं कि यहीं रहना है, मैं यहीं लेट रहूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता था अगर तुझे जाना तो ऊपर से जाके जाना, मैं जाने नहीं दूंगा। अब अभी बोलेगा कुछ? हाँ? मैं जाने नहीं दूंगा, तो मतलब कुछ तो बोल देते कल के, मतलब रुक जा आज, इसलिए नहीं बोला था, मुझे पता था ये दो थोड़ी देर या फिर एक दो घंटे का, मतलब आपने भी कुछ नहीं बोला, ये कोई बात है, किसको बोलूं, कुछ तो बोलते, मतलब इतना रिएक्ट कर रहे थे, मैं नहीं उठूंगा, पहले पक्का नहीं जाएगा ना, कोर्ट नहीं जाएगा ना, कृति को सिर्फ कृति ही बोलवा, नहीं जाएगी ना वो, अभी मैं किसी को नहीं जाने दूंगा, देख मैं देख जो मुझसे गलती हुई उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, तेरी आंखों में मेरी वजह से आंसू आए थे ना, मैं कसम खा रहा हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से कभी आंसू नहीं आएंगे तेरी आंखों में, और ना किसी और की वजह से आने वाले, मेरी बात सुनो यार, अच्छा सुनो कृति मेरी बात सुनो, अरे ये बताओ सचिन को सबसे ज्यादा खाने में क्या पसंद है, ये बताओ सचिन को? मैगी। मैगी मतलब एक से एक चीज है, मेरे साथ पता नहीं क्यों होता कि रिश्ते टूटते ना, अरे नहीं टूटा क्या, नहीं बन जाते रिश्ते टूटते बन जाते। अब तू ये बता, तू ये तो कहीं मैगी 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 क्या मैगी पसंद है, चलो मैं आज सचिन को मैगी बनाकर खिलाऊंगा, तो गाइस सचिन को सबसे ज्यादा पसंद है मैगी, तो आज मैं जा रहा हूँ मैगी बनाने, कृति मेरी हेल्प करेगी मैगी बनाने में, मैं अपने हाथों से सचिन को मैगी खिलाऊंगा भाई आज, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज यार, आंटी चार मैगी के पैकेट दे दो, हो गया पेमेंट, हाँ उबलती नहीं है ये, डायरेक्ट डालती है, तुम हेल्प करा तो नहीं हो ना भाई, अरे भाई यार, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, ये कैमरा लेके बना रहा हूँ तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, मैगी बनानी है हमें भाई, हाँ तो वही तो वीडियो बना रहा हूँ, कैसी मैगी बनाते हो, ऑडियंस को भी तो पता पड़े कैसी मैगी बनाते हो, कढ़ाई में तेल डाल दिया, कढ़ाई में आपको बताते हैं ना कि 2 मिनट बोलते 5 मिनट में मैगी, 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में मैगी तैयार होती है, पर 2 मिनट में नहीं होती है मैगी तैयार, कितनी मिनट लगेगी अभी हमें, बहुत टाइम, तुम्हें प्याज टमाटर काटने में इतना टाइम लगा, 10 मिनट लगे प्याज टमाटर काटने में, 2 मिनट में क्या बनेगी मैगी, बैटिंग मुझे चाहिए पहले, ओह क्या, और सिंधे के फॉर्म में बता।
अरे बैटिंग पहले मुझे दो यार। अभी नहीं सो रहा आप, मैं भाई इसकी बात अब तो माननी पड़ेगी, हर बात माननी पड़ेगी ना, तो गुस्सा हो जाएगा ये भाई। तो देख सकते हैं यहाँ से बोल कराएगा और ये वीडियो बनाया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ लेट लेट के फील्डिंग हो रही है, ये उल्टा खेल, सचिन तो उल्टा खेलता है, खैपा खेलता उल्टा चलता है भाई। बोल तो लग रही थी क्या, चल बस हो गया तेरा, ऊपर बैटिंग खेल। तुम बोल रहे 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, तुम्हारी मैगी कहाँ है? 2 मिनट में प्रीति कितनी देर में बननी है? प्रीति कितनी देर में बननी है? तेल गरम हो रहा है मनी, जल्दी जाओ भक्के जाओ भक्के। मिल गई, अगर नीचे चली जाती तो कितना नीचे है? ये वाला गेट बंद होता है भाई, तभी खेल पाएंगे हम। चलो बस बस बस। तो गाइस हमने शिमला प्याज भून दी है और शिमला मिर्च डाल दी है। देखो ये मुझे मैगी बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, मैंने पहले प्याज भूनी, अब शिमला मिर्च भून रहा हूँ, बाकी भून रहा हूँ। पकड़ने का क्या क्या बोलते हैं उसको, ये वाला मटर भी डलती है इसमें? या मटर भी डालती है। यार मटर कितनी मेहनत से खिला था उन्होंने, किसने? बच्चे क्यों खा रहे हैं? मेरा मुन्ना अभी चम्मच आ रही है मैगी देख रहा, स्टिंग का है, स्टिंग जब इतना ही कर रहे हो तो एक और करो भाई, स्टिंग नुकसान देती है। स्टिंग मेरे को पता, तेरे को पसंद है स्टिंग, मैं जान पसंदीदा कर रहे हो तो एक नई गर्लफ्रेंड ही बनवा दो भाई। हैं नई गर्लफ्रेंड बनवा, बताओ अभी तो वो लड़की तुझे इतना प्यार करती है, तेरे लिए इतना सब कुछ करती है, फिर तू तेरे बनवाओ अभी देख रहो नहीं कल कितने प्यार से बनाई उसने। मैं आप स्टिंग करी थी, करी थी ने बनाई है क्या? अरे मैंने बनाई है, मेरी हेल्प की उसने। लेकिन मैगी खुली छोड़ के आया। फ्रेंड बनाओ और चिल रहो, खुश रहो, अच्छे फ्रेंड होने चाहिए जैसे मैं और सचिन, अच्छे प्यार करने वाले होने चाहिए। अरे पार्टी बदलता है साला। अब कल फ्रेंड के पास जा रही है, पार्टी बदलता है। चलो भाई खाओ। देख रहे हो गाइस हमारे रूम का नजारा चला जाएगा तो मेरा मन कैसा लगा, मैं पूरी रात देख रही हूँ। क्रीति देख रही हो? सच में यार कसम से कह रहा हूँ भाई, भाई कल मेरा दिमाग खराब हुआ था, सही बता रहा, कल बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। नहीं कुछ कमेंट भी आए होंगे बहुत सारे यार, बहुत ज्यादा चीजें, पर मैंने तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं चलो यही बात में कुछ नहीं बोलता फिर भी। तूने मेरी इज्जत तो करी कम से कम भाई, कि एक बंदा मैं ऐसा खोने वाला था जो मेरी इज्जत कर रहा था, मैं निकाल रहा इतना गंदा बोला फिर भी कुछ नहीं बोला पलट के, ये चीज मेरे को ना तो कोई और होता। हाँ वो तो मुझे पता है, कसम से छत से नहीं, बहुत गुंडागर्दी थी। देखो गाइस स्विमिंग पूल थी। चल मुन्ना कम से कम अब तू मेरे साथ तो रहेगा, तू मुन्ना है मेरा मुन्ना, बाकी कोई नहीं। और एंड गाइस बहुत अच्छा लगा, एंड और वॉर सब सब मिक्स है, है ना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और भाई मेरी गलती अगर चैनल में नए हो, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, मैंने देखा है, मुझे लगता है पुरानी ऑडियंस हमारी बनी हुई, ऐसा नहीं है ऑडियंस नहीं है हमारे पास, ऑडियंस है वो चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ और गाइज मनीष भाई को कोई गलत में कमेंट मत करना, जो है सब क्लियर हो चुका है, मैंने इसीलिए नहीं बोला था, मुझे पता था भाई मनीष भाई एक नंबर इंसान है, जिस इंसान को रियलाइज होता है ना वो दिल का बुरा नहीं है। तो गाइज इसी चीज में आगे हम करते हैं वीडियो का एंड, और मनीष भाई का एक चैनल है उसको जाके प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना, एमरोक करके नाम है, एमरोक स्टोरी करके मेरा चैनल है, प्लीज जाके सपोर्ट करना सभी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कृति बाय कर दो, बाय कर दो, बाय।